नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही का भाग दो। लेखक अमृत राय। बेचारी माँ दो लड़कियाँ गंवा चुकी थी और अब बस यही दो बचे थे, सुग्गी और नवाब। सुग्गी नवाब से 6-7 साल बड़ी थी। उसको भी माँ कुछ कम प्यार नहीं करती थी, लेकिन नवाब में तो जैसे उसके प्राण ही बसते थे। कुछ तो शायद इसलिए भी कि वह सबसे छोटा था और लड़का था। माँ को हरदम यही डर लगा रहता कि कोई उसके बेटे को नज़र लगा देगा, कुछ जादू टोना कर देगा। लड़का चंचल था भी, जिसे टोनहा कहते हैं, हरदम झाड़ फूँक करवाती रहती, राई नौन से नज़र उतरवाती रहती और डिठौना तो नवाब को 5-6 साल की उम्र तक लगाया जाता रहा। माँ का बस चलता तो वह कभी बेटे को अपने आंचल से अलग न होने देती। इस तरह बचपन के कुछ वर्ष माँ के प्यार की शीतल छाया में बहुत ही मधुर बीते। माँ के लाड़ले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ करता और घर पर ओलाहना पहुँचता। एक रोज़ ऐसा हुआ, लड़के नाई नाई खेल रहे थे, नवाब को शरारत सूझी। उसने ललान के ही एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट लिया। कान कटा तो खैर नहीं, मगर खून जरूर भलभल भलभल बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो आग बबूला हो गई और एक हाथ से रामू को पकड़े झनकती पटकती नवाब की माँ के पास ओलाहना देने पहुँची। नवाब ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी खिड़की के पास दुबक गया। माँ ने दुबकते हुए उसको देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ रसीद किए। पूछा, रामू का कान तूने क्यों काटा? नवाब ने नहायत भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो उसकी हजामत बना रहा था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, यह तो रोज़ की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गाली भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी, मटर और मुलायम हो जाती थी। लम्ही चूँकि सदा से बहुत गरीब गांव रहा है, इसलिए कोई इस चीज़ की दर गुजर भी न करता था और अक्सर इस बात का उलाहना आता। घर में डांट फटकार भी होती, लेकिन एक दो रोज के बाद फिर वही रंग ढंग। ढेला चलाने में भी नवाब बहुत मीर थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांद मारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में आम जमीन पर नज़र आता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर चंपत हो जाती। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो निशानेबाजी में तब आता जब आम पकना शुरू हो जाते। तेज आँखें सब आम के पेड़ों को ताके रहती और जहाँ किसी डाल में कोई कोंपल दिखा नहीं कि ढेलेबाजी शुरू। मजाल है कि 2-3 चक्कों में वह नीचे ना आ जाए। रखवाला चिल्लाता है तो चिल्लाने दो, गाली देता है देने दो, हमें आम से मतलब है कि उसकी गाली से। जब तक अपना लाठी डंडा लेकर वह आएगा, हम कहीं के कहीं होंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। उस मामले में वह अपनी टोली के सारे लड़कों का सरताज था। आज तक लोग उसका बखान करते हैं वैसे ही जैसे उनके गुल्ली डंडे का। सुनते हैं उनका टोल अच्छी तरह जमकर बैठ जाता था तो गुल्ली 150 गज की खबर लेती थी, लेकिन वह जरा बात की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम ना था। घर के सामने जहां अब मुंशी जी का बनवाया हुआ अपना मकान है, एक बहुत ही पुराना बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ था। उसके नीचे लाला महावीर लाल की मड़ैया तो थी ही, खेलने के लिए भी खूब जगह थी, साफ सुथरी। वहाँ इमली के चियों और महुए के कोइनों से खेल होता और कबड्डी की पाली जमती।
इसी तरह बचपन के सुहाने दिन बीत रहे थे, कभी लम्हे में तो कभी पिता के साथ कहीं और। उस कहीं और में ही एक ही जगह कजाकी नाम का एक डाक हरकारा उसकी ज़िंदगी में आया और हमेशा के लिए अपनी याद और अपना दाग छोड़ गया। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक ना मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए। कहानी सन 1926 में लम्हे में बैठकर लिखी जा रही है, जबकि मुर्दृषि के 23 तूफानी सालों की बेतहाशा भागम भाग के बाद लेखक उस जिंदगी को अलविदा कहकर फिर अपने बचपन के परिवेश में लौट आया है। कुछ सुस्ता रहा है और पुरानी स्मृतियां धीमी धीमी बयार की तरह आकर उसको सहला रही हैं। लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आँखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जात का पासी था, बड़ा ही हसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता, शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लभ रखे उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था, शरीर ऐसा सांचे में ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष ना निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और ज़ोर से बजने लगती और मेरे हृदय में और ज़ोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। संसार मेरी आँखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता, कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थीं। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। उस वक्त नवाब करीब 6 साल के थे। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घरानों में चलन था, उर्दू फारसी। लम्हे से मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है लालपुर, वहीं एक मौलवी साहब रहते थे जो पेशे से तो दर्जी थे मगर मदरसा भी लगाते थे। मुंशी जी ने अपनी कहानी चोरी में उस जमाने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आँखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर, वह अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियाँ खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे, फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का, कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते,
कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था, वहाँ एक कुआं खोद रहा था, वह भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था, हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते, कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते। असल नाम बलभद्र, महावीर लाल के छोटे लड़के, बलदेव लाल के छोटे भाई, जवानी में ही मर गए, मसूड़े में सुपारी फंस गई, वही नासूर बन गई। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता था हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी शेर आध शेर फलियां तोड़ लीं, तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वह भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने की तागीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के ही सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना कब वरदान मिला है, और गुरु की सेवा किए बिना किसे विद्या आई है। पुराना कायदा तो कम से कम यही था। और भी बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी होती होंगी, मसलन बकरी के वास्ते हरी हरी पत्तियां तोड़ लाना, बाज़ार जाकर सौदा सुलूफ ले आना, और हुक्का तर करने का तो जैसे जिक्र ही बेकार है। उसके बिना कभी किसी को कुछ भी आया है। पढ़ाई का तरीका वही पुराना रहा होगा, जो कि बाद के तमाम नए प्रयोगों के बावजूद शायद सबसे अच्छा था, यानी रटंत। गणित के मास्टर साहब पहाड़ा रटाते थे और दर्जे भर के लड़के झूम झूम कर समवेत गायन की तरह पहाड़ा रटते थे। 7 × 7 = 7 × 14 = 7 × 21। संस्कृत के पंडित जी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, रामा रामो रामा रटाते थे, और मौलवी साहब आमद नामा लेकर माझी और मजहूल, हाल और मुस्तकबिल, अम्र और नहीं के तमाम सींगों में सैकड़ों मजदरों और मुजारों की गिरदान करवाते थे। आमद आमदंद, आमदी आमदेद, आमदम आमदेम, गोयद गोयंद, गोई गोद, गोयम गोयम। क्या अजब कि यह चीज़ मौलवी साहब के दहियलों और
चालों की जबान पर लड़कों से पहले चढ़ जाती थी। जब आमदनामा पक्का हो जाता तब शादी के गुलिस्ता बोस्ता और करीमा मामुकीमा की बारी आती। फारसी पढ़ाने का यह कायदा आज सैकड़ों साल से दुनिया में चल रहा है। नवाब ने भी इसी कायदे से फारसी पढ़ी और चुहलबाजियाँ तो जो होनी थी होती रहीं। ताहम ऐसा लगता है कि मौलवी साहब ने नवाब की फारसी की जड़ काफ़ी मजबूत कर दी। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती, घलुए में आती है। पढ़ाई तो फारसी जाती है। जो भी बात हो, इसमें शक नहीं कि इन मौलवी साहब ने उनकी फारसी की बुनियाद खूब पक्की कर दी थी कि उस पर यह महल खड़ा हो सका। प्राइवेट तौर पर जब इंटर और बीए करने की नौबत आई, उस वक्त नवाब राय को यह तय करने में एक मिनट नहीं लगा कि एक विषय ज़रूर फारसी होना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत पढ़ते और सारे दिन मटर गश्ती करते, खेलते कूदते, मज़े में दिन बीत रहे थे। और इन्हीं दिनों की बात है कि उन्होंने और हलधर बलभद्र ने मिलकर घर से एक रुपया उड़ाया था। अब जरा उसकी दास्तान उन्हीं से सुनिए। मुँह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे ना बोला, हमने नाश्ता भी ना किया, चवेना भी ना किया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। उन दिनों 5 आने शेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आध शेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई, हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए, सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले, हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था, ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है, घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। मदरसे पहुँचे, हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर से छुट्टी हो जाएगी, मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे, 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई पर हलधर कैद कर लिए गए। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे, वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतज़ार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएंगे एक पैसा भी खर्च ना करूँगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे
एक घंटे से ज़्यादा गुजर गया, हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाईं और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रख कर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं है। मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहकहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी पड़ती है, तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। ऐसा तान कर घूसा मारा कि मियाँ हलधर मुँह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं, तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी वह भी ले ली, अभी कोई बहाना सोच लो नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए, घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी, किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमरण किया, क्योंकि अपने हलके में डीह ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया लेकिन ज्यों ज्यों निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फट कर गिरा ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं, गोरु भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते हैं, चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ी चली जाती थी। लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था, मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुँह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था, छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसाने वाली और कड़वी होती हैं, यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी ना जाने क्यों इस दवा को खूब मज़ा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के दो तीन और
कभी कभी चार पांच और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिता ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जवान से कहा, कहीं तो नहीं? अब चोरी की आदत सीख रहा है, बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जवान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी, शब्द भी निकलते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहाँ? मुँह से पूरी बात भी ना निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्ला कर रोने लगा, ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए, उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे जब अभी से इसका यह हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के दो तीन आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा, बच्चे बहुधा ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे, सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी, बोली, लो वह भी आ गया, क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निःशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम है। हलधर मार खाने के आदि थे, दो चार घूंसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी, मेरा तो दो चार घूंसों में ही काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी, नहीं तो चाची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूँगा, देखा वही बात निकली ना, मैं तो कहती ही थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बतलाओगे तो मारूंगा? मैं वही तालाब के किनारे तो थोड़ी सी पढ़ाई थी, ढेरों उछल कूद, चिवल्लेपन की इंतहा नहीं, कभी बंदर भालू का नाच है तो कभी आपस में ही घुड़दौड़ हो रही है। रामू रघुनाथ पृथ्वी पदारथ बांगुर गोवर्धन और भी ना जाने कितने, पूरी फौज थी। तीन महीने मुबाते रामू की ढेलेबाजी चलती, इतने कच्चे आम खाए जाते कि फसल भर चोपी लग लग कर मुँह फदका रहता, आम में जाली पड़ जाती तो फिर पना भी शुरू हो जाता। किसी के यहाँ से नमक आता, किसी के यहाँ से जीरा, किसी के यहाँ से हींग, किसी के यहाँ से नई हड़िया के लिए पैसा, फिर कोई हड़िया लाने चला जाता, बाकी लोग बांस की पत्ती बटोरने में लग जाते। पास ही बसवारी थी, फिर आग सुलगाई जाती, आम भुने जाते। पना बनाने का पूरा एक शास्त्र था और इस शास्त्र के दो एक ही आचार्य थे, उनमें नवाब नहीं था, पर हाँ हिस्सा लेने में सबसे आगे रहते थे। यह तो गर्मी का नक्शा था।
जाड़े के दिनों में ढेरों ऊख तोड़ लाए। उसी में यह भी बाजी लगी हुई है कि ऊख की चेप कौन सबसे बड़ी निकाल सकता है। कभी कोल्हाड़े में चले गए जहाँ गुड़ बन रहा होता, वहाँ पनुए रस से जो खोई को फिर से पानी में भिगो कर तैयार किया जाता है, तबीयत तर की या कच्चा गुड़ लेकर दांत से उसके लड़ने का मज़ा देखा। गुड़ से मुंशी जी को बेहद प्रेम है। गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। सारी जिंदगी गुड़ का यह प्रेम इसी तरह बना रहा। खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूरी था। गुड़ की चोरी का एक नहायत दिलचस्प किस्सा अपने बचपन का मुंशी जी ने होली की छुट्टी में सुनाया है। अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके या मेरी ननिहाल गई थी और मैंने 3 महीने में एक मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे, अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तहान पास था, इसलिए मैं उनके साथ ना जा सका। जाते वक्त उन्होंने एक मन गुड़ लेकर एक मटके में रखा और उसके मुंह पर एक सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त तागीद कर दी कि मटका ना खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफा चट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, दोपहर को रोटियों के साथ गुड़, तीसरे पहर दानों के साथ गुड़, रात गुड़, यहाँ तक जायज खर्च था जिस पर अम्मा को भी कोई ऐतराज़ ना हो सकता। मगर स्कूल से बार बार पानी पीने के बहाने घर में आता और 2-1 पिंडियाँ निकाल कर रख लेता। उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के सिर सामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया, मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी 2.5 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब जाता रहा और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। फिर तो इस 2 अंगुल की जीभ ने क्या क्या नाच नचाया है। अपने को कोसता धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी ना पसंद करेगा। कसमें खाता विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गौ की, ईश्वर की। कुछ भी काम ना आया तो बड़े भक्तिभाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान यह मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है, मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं, मुझे अष्ट धातु की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दूं। मगर सब बेसुध। कोठरी में ताला लगाकर एक बार उसकी चाबी दीवार की संधि में डाल दी जाती है और दूसरी बार कुएं में फेंक दी जाती है, मगर तब भी रिहाई नहीं मिलती और वह मन भर का मटका पेट में समा जाता है। इस तरह की दिलचस्पियों की नवाब को कुछ कमी ना थी। कभी 2-4 लोग जाकर पोखरी से मछली मार लाए और भून कर खा गए, और कभी इमली के नीचे चटाचट गोली की चोटें होती, चिए से ताक जूस, चितपट होता जो कि तकदीर के चितपट से रत्ती भर घटकर नहीं था, क्योंकि उसमें भी बाजाबता खजाने जीते और हारे जाते। कोई दरिद्र हो जाता, कोई मालामाल हो जाता, मतलब यह कि दिलचस्पी के सामानों की कुछ कमी ना थी। और हाँ, दादी से कहानी सुनी जाती और झगड़ा होता कि कहानी कहते समय दादी का मुँह भैया बलभद्र की तरफ क्यों हो जाता है। इस तरह माँ और दादी के लाड़ प्यार में लिपटे हुए दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे, जबकि आसमान से इस बच्चे का इतना सुख ना देखा गया। और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। मुंशी अजायब लाल की ही तरह वह भी संग्रहणी की पुरानी मरीज थी। इस बार का हमला जानलेवा साबित हुआ। मुंशी अजायब लाल उन दिनों इलाहाबाद में थे और वहीं नवाब की माँ बीमार पड़ी। 6 महीने बीमार रहीं।
नवाब तब 8वें साल में चल रहा था और उसकी बहन सुग्गी 14-15 की थी। उसी साल उसका ब्याह मिर्जापुर के पास लाहौली नाम के गांव में हुआ था। गौना भी हो गया था। माँ के मरने के 8-10 रोज पहले आई। दादी भी आई जो कि लम्ही में रहती थी। नवाब माँ के सिरहाने बैठा पंखा झलता रहता। उसके चचेरे बड़े भाई बलदेव लाल जो 20 बरस के नौजवान थे और एक अंग्रेज़ के यहाँ टेनिस की गोली उठाने पर नौकर थे, दवा दारू के इंतजाम में रहते। काफ़ी इलाज हुआ लेकिन व्यर्थ। नवाब के 8वें साल में वह चल बसी और उसी दिन वह नवाब जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, डिठौना लगाकर घर से निकलने देती थी और आँचल में छिपाए फिरती थी, कभी सर्दी से कभी गर्मी से, कभी सिहाने वालों की ढीठ से देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सर पर तपता हुआ नीला आकाश था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते ना थे, बदन पर साबित कपड़े ना थे। इसलिए नहीं कि यकाबक पैसे का टोटा पड़ गया, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मुंद गई थीं। बाप यूँ भी कब माँ की जगह ले पाता है, उस पर से वह काम के बोझ से दबे रहते। उनके पैर में चक्कर तो जैसे था ही, हर साल 2 साल 6 महीने में उनका तबादला होता रहता। कभी बांदा तो कभी बस्ती, कभी गोरखपुर तो कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद तो कभी लखनऊ, कभी जियनपुर तो कभी बड़हलगंज, किसी एक जगह जमकर रहने ना पाते। ऊपर से काम का बोझ, खासी परेशान जिंदगी थी। बेटे को उनके साथ की, उनकी दोस्तों की भी ज़रूरत हो सकती है, इसके लिए ना तो उनके पास समझ थी और ना समय। कजाकी में लेखक ने शायद अपनी ही बात बच्चे के मुँह से कहलवाई है। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम बहुत करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी आता ही ना था, वह भी मुझे कभी प्यार ना करते थे। घर में वह केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर ना हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी ना करते, पर पैसे खूब देते थे, शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण। मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। प्यार, दोस्ती, संग साथ, नवाब को जो कुछ मिलता अपनी माँ से मिलता। भले पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियाँ बदल जाती हों, सो माँ अब नहीं रही। माँ जैसा ही कुछ प्यार बड़ी बहन से मिलता था, वह अपने घर चली गई। नवाब की दुनिया घर के नाते सूनी हो गई। पिताजी का तो वही हाल था, थके मांदे शाम को घर लौटते और बोतल लेकर बैठ जाते। पीते अपनी मात्रा भर ही थे, मगर हर शाम पीते थे। एक छोटी सी गिलसिया थी, वही उनका नपना था। सूनी दुनिया में बराबर कौन रह सकता है, जिंदगी खुद उसे भरने का उपाय कर देती है, जैसे कि हर घाव वह भर देती है। बुढ़े स्मृतियों की बैसाखी लेकर चलने लगते हैं और गुजरे वक्तों के प्रेत आकर उनकी दुनिया को भर देते हैं। नवाब तो अभी बच्चा था, बहुत ही शरीर, बहुत ही खिलंदरा, और सारी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी। पत्नी के मरने के कुछ ही दिन बाद मुंशी अजायब लाल बीमार पड़ी। ठीक होने भी ना पाए थे कि फिर तबादले का हुक्म आया। नई जगह, सूने घर में नवाब को ले जाना पागलपन होता, इसलिए नवाब को फिर लम्ही में ही रखने की ठहरी। इलाहाबाद से चलने लगे तो उन्होंने बलदेव से भी साथ आने को कहा, पर बलदेव साथ नहीं आए। कुछ ही वक्त बाद उनके साहब की, जो डाक तार विभाग का कोई बड़ा अफसर था, इंदौर की बदली हुई। वह बलदेव लाल को भी, जो मुंशी अजायब लाल के चले जाने के बाद उसी के यहाँ रहते थे, अपने साथ इंदौर लेता गया और उन्हें तार का लाइन मैन बनवा दिया। वह 15 वर्ष इंदौर में रहे,
और घर का मुँह नहीं देखा। बाद को अपने छोटे भाई बलभद्र को भी उन्होंने अपने पास बुलाकर अपने ही समान लाइनमैन बनवा दिया, पर बलभद्र कच्ची उम्र में ही चल बसे। नवाब की अब फिर अपनी वही पुरानी दुनिया थी, वही मौलवी साहब और वही खेत मैदान, ऊख मटर, आम इमली, दौड़ भाग, गुल्ली गोली। फर्क बस इतना था कि सर पर अब और कोई ना था। माँ तो कभी किसी काम के लिए रोकती भी थी, डांटती भी थी, दादी तो बस लाड़ करती थी। कुछ तो शायद इसलिए भी कि माँ अभी हाल में ही मरी थी, उस गम को बच्चा अगर खेल कूद में भूल जाए। लिहाजा जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्र के साथ साथ आवारा गर्दी भी बढ़ती गई। 2 बरस बाद पिता ने फिर ब्याह कर लिया था, लेकिन उससे नवाब का अकेलापन न घटना था न घटा, और वह अलग अपनी दुनिया में घूमता रहा, खेलता रहा, दादी से कहानी सुनता रहा। किसी कदर वह एक जंगली पौधे की बाढ़ थी, बिल्कुल निर्बाध उन्मुक्त, इसे उसका अच्छा पहलू कह सकते हैं। लेकिन कुछ बुरा पहलू भी था। 12-13 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसे सिगरेट बीड़ी का चस्का लग चुका था, और अपने ही शब्दों में उन बातों का ज्ञान हो गया था जो कि बच्चों के लिए घातक है। बिना माँ के बच्चे का ऐसा ही हाल होता है, ना हो तो अचरज की बात है। पता नहीं माँ का प्यार किस रहस्यपूर्ण ढंग से बच्चे का परिष्कार किया करता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। वह प्यार छिन जाए सर पर से, वह हाथ हट जाए, तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है, और उसके साथ ही बहुत से सांचे, बहुत सी मूर्तियां जाती हैं जिनको बनाने में बरसों लगे थे। यह कमी कितनी गहरी, कितनी तड़पाने वाली रही होगी, जो सारी जिंदगी यह आदमी उससे उबर नहीं सका, और वह टीस बराबर पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज़ की तरह उसकी नसों में गूंजती रही। बार बार उसने ऐसे पात्रों की सृष्टि की जिनकी माँ 7-8 साल की ही उम्र में जाती रही और फिर दुनिया सूनी हो गई। कर्म भूमि में अमरकांत कहता है, जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक ना पाकर उसकी ज़िंदगी खुश्क हो जाती है। मेरी माँ का उसी ज़माने में देहांत हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, वही भूख मेरी ज़िंदगी है। दूसरी माँ के आ जाने से बात कुछ नहीं बदली, उल्टे उसका अकेलापन और बढ़ गया, क्योंकि अब वह दादी के साथ लम्हे में नहीं बल्कि अपनी नई माँ के साथ गोरखपुर में रह रहा था, और पिता को बेटे की ओर ध्यान देने का और भी कम समय मिल रहा था। शायद अपनी कुछ उसी मनोदशा को उन्होंने कर्म भूमि में यूं व्यक्त किया है। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माँ उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसी उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट, जो बात मुँह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माताजी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे अदबदा कर करता। पिता से भी ढीठ हो गया, पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन ना रहा। यह मना स्थिति ठीक वह थी जिसमें नवाब के बिल्कुल बहक जाने का पूरा सामान था, लेकिन प्रकृति जैसे अपने और तमाम जंगली फूल पौधों को नष्ट होने से बचाती है, जिनकी सेवा टहल के लिए कोई माली नहीं होता, उसी तरह उस आवारा छोकरे को भी बचा रही थी।
उसको बचाने के लिए उसने ढंग भी ऐसा ही अख्तियार किया जो उसकी प्रतिभा के अनुकूल था। बस एक हल्का सा मोड़ दे दिया। आवारा गर्दी अब भी चल रही थी मगर मोटी मोटी किताबों के पन्नों में, जिनका रस छन छन कर उसके भीतर के किस्सागों को खुराक पहुंचा रहा था। जो भूख उसके भीतर ना जाने कब से, शायद जन्म से ही पल रही थी, जिसे दादी की कहानियों ने और उकसा दिया था, अब नवाब खुद उसके लिए खुराक जुटा रहा था। और इस तरह फिर वह आवारा गर्दी ना रह गई। गुल्ली डंडे और मटर गश्ती की जगह तलिस्म और एयारी की मोटी मोटी किताबों ने ले ली, ऐसी कि पूरी इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए। एक आदमी तो अपने 60 वर्ष के जीवन में उनकी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, रचना तो दूर की बात है। यह मौलाना फैजी के तलिस्मे होश रुबा की तारीफ है, जिसके 25,000 पन्ने 13 साल के नवाब ने 2-3 बरस के दौरान में पढ़े और भी ना जाने कितना कुछ चाट डाला, जैसे रेनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन की 2500 किताबों के उर्दू तर्जुमे, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियाँ, उमराव जान अदा के लेखक मिर्जा रसुआ और रतननाथ सरसार के ढेरों किस्से। उपन्यास खत्म हो गए तो पुराणों की बारी आई। नवल किशोर प्रेस ने बहुत सी पुराणों के उर्दू अनुवाद छापे थे, उन पर टूट पड़े। कोई पूछे कि इतनी सब किताबें इस लड़के को मिलती कहाँ थी। रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके स्टॉक से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था, मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ ना सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और उसके मुआवजे में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। गरज की बाद में, बहुत बाद में, कुछ दोस्तों ने उन्हें किताबी कीड़ा का जो लकब दिया उसका यह पूर्वाभास था। इससे हल्का एक पूर्वाभास तो अब से 3 बरस पहले मिला, जब पिताजी की शादी के मौके पर नवाब ने लोगों की दिल बस्तगी के लिए या बैतबाजी की प्रतियोगिता में, जो कि कायस्थों की शादी में ना तब कोई अनहोनी चीज़ थी ना अब है, इतनी गज़लें सुनाई थी कि घराती बराती सब दंग रह गए। उस वक्त नवाब मिशन स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ते थे, जो तीसरा दर्जा कहलाता था, लेकिन गोरखपुर वह शायद उसके भी 2 बरस पहले पहुंच गए थे और उनकी अंग्रेजी पढ़ाई रावत पाठशाला में शुरू हुई। उन दिनों उनकी नई माँ के भाई विजय बहादुर भी वहीं रहते थे। उनसे नवाब की बहुत बनती थी, उम्र भी लगभग एक ही थी। अक्सर दोनों बाले मियाँ के मैदान में निकल जाते और पतंगों के पेंच देखते। नई माँ का पहला बच्चा गुलाब राय तब 1.5-2 साल का था और मुमकिन है कि उसकी आमद ने घर से नवाब का लगाव और कम कर दिया हो। यहीं लगभग 2 बरस बाद उनके दूसरे बच्चे महताब का जन्म हुआ। जहाँ तक नवाब की बात है, उसको घर में यूं ही बहुत कम मतलब था और अब तो उसके पास होश उड़ा देने वाले तलिस्मों की अलग अपनी एक दुनिया थी और हातिम ताई और चहार दरवेश जैसे संगी साथी थे, जिनके संग संग वह कभी भेष बदलकर अंधेरे तहखानों में घुसता था और अक्सर जंगलों व रेगिस्तानों में भटकता फिरता था। पढ़ाई का यह हाल था तो कैसे मुमकिन था कि कुछ लिखने का भी ख्याल नवाब के दिल में ना आता, जबकि बीज पहले से ही मौजूद था। लेकिन बड़े आश्चर्य की और काफ़ी गहरे आशय की बात है कि 13 साल का नवाब जब लिखने बैठा तो उसने तलिस्म और अयारी की राह नहीं पकड़ी।
बावजूद उन सैकड़ों किताबों के जिन्हें वह घोल कर पी चुका था और जो निश्चय ही उसके दिमाग पर छाई रही होगी। कोई ताकत जो खुद उससे बड़ी थी उसका हाथ पकड़कर उसे सामाजिकता के उस रास्ते पर ले गई जिसे भविष्य में उसका अपना खास रास्ता बनना था, जिसे अपने पैरों से राउंड राउंड कर उसने पक्का किया, जिस पर उसके पैरों के गहरे निशान हैं जो जल्द मिटने वाले नहीं हैं। शुरू की कुछ कहानियों में सामाजिकता के साथ साथ कहानी के ढांचे में यह तलिस्मी अय्यारी रंग भी थोड़ा बहुत बोला, मगर उसकी पहली रचना जो उसका परिचय पत्र था इस चीज़ से कतई पाक है। वह रचना उसकी पहली रचना जिसे शायद चिराग अली के सुपुर्द कर दिया गया, अपने तरह की एक बेजोड़ चीज थी जिस पर शायद किसी अच्छे लेखक को भी शर्म न आती। उसके रचे जाने की कहानी खुद मुंशी जी ने बहुत रस ले लेकर कही है। मेरे एक नाते के मामू कभी कभी हमारे यहाँ आया करते थे, अधेड़ हो गए थे लेकिन अभी तक बिन ब्याहे थे। पास में थोड़ी सी जमीन थी, मकान था, लेकिन घर के बिना सब कुछ सूना था, इसीलिए घर पर जीना लगता था। नातेदारियों में घूमा करते थे और सबसे यही आशा रखते थे कि कोई उनका ब्याह करा दे। इसके लिए 100-200 खर्च करने को भी तैयार थे। क्यों उनका विवाह नहीं हुआ यह आश्चर्य था। अच्छे खासे हष्ट पुष्ट आदमी थे, बड़ी बड़ी मूछें, औसत कद, सांवला रंग, गांजा पीते थे, इससे आंखें लाल रहती थीं। अपने ढंग के धर्मनिष्ठ भी थे, शिव जी को रोजाना जल चढ़ाते थे और मांस मछली नहीं खाते थे। सुनते हैं कि यह मुंशी रूप नारायण नाम के एक सज्जन थे, विजय बहादुर फुफेरे भाई। एक बार उन्होंने भी वही किया जो बिन ब्याहे लोग अक्सर किया करते हैं, एक चमारीन के नयन बाणों से घायल हो गए। वह उनके यहाँ गोबर पाथने, बैलों को सानी पानी देने और इसी तरह के दूसरे फुटकर कामों के लिए नौकर थी। जवान थी, छबीली थी, मामू साहब का त्रसित हृदय मीठे जल की धारा देखते ही फिसल पड़ा। बातों बातों में उससे छेड़छाड़ करने लगी, वह इनके मन का भाव ताड़ गई, ऐसी अल्हड़ ना थी, और नखरे करने लगी, केसों में तेल भी पड़ने लगा, चाहे सरसों का ही क्यों ना हो, आँखों में काजल भी चमका, ओंठों पर मिस्सी भी आई और काम में ढिलाई भी शुरू हुई। कभी दोपहर को आई और झलक दिखाकर चली गई, कभी सांझ को आई और एक तीर चलाकर चली गई। बैलों को सानी पानी मामू साहब खुद दे देते, गोबर दूसरे उठा ले जाते। युवती से बिगड़ते क्यों कर, वहाँ तो अब प्रेम उदय हो गया था। होली में उसे प्रथानुसार एक साड़ी दी, मगर अब की गजी की साड़ी न थी, खूबसूरत सी 2.25 रुपए की चुंदरी थी। होली के त्योहारी भी मामूल से चौगुनी कर दी और यह सिलसिला यहाँ तक बढ़ा कि वह चमारीन ही घर की मालकिन हो गई। एक दिन संध्या समय चमारों ने आपस में पंचायत की, बड़े आदमी हैं तो हुआ करें, क्या किसी की इज्जत लेंगे। एक इन लाला के बाप थे कि कभी किसी मेहरिया की ओर आंख उठा कर ना देखा, हालांकि यह सरासर गलत था। और एक यह है कि नीच जात की बहू बेटियों पर भी डोरे डालते हैं, समझाने बुझाने का मौका ना था। समझाने से लाला मानेंगे तो नहीं, उल्टे और कोई मामला खड़ा कर देंगे, इनके कलम घुमाने की तो देर है। इसलिए निश्चय हुआ कि लाला साहब को ऐसा सबक देना चाहिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। इज्जत का बदला खून से ही चुकता है, लेकिन मरम्मत से भी कुछ उसकी पुरौती हो ही सकती है। दूसरे दिन शाम को जब चंपा मामू साहब के घर आई तो उन्होंने अंदर का द्वार बंद कर दिया। महीनों के असमंजस, हिचक और धार्मिक संघर्ष के बाद आज मामू साहब ने अपने प्रेम को व्यवहारिक रूप देने का निश्चय किया था। चाहे कुछ हो जाए, कुल मर्याद रहे या जाए, बाप दादा का नाम डूबे या उतराए,
उधर चमारों का जत्था ताक में था ही, इधर किवाड़ बंद हुए उधर उन्होंने खटखटाना शुरू किया। पहले तो मामू साहब ने समझा कि कोई आसामी मिलने आया होगा, किवाड़ बंद पाकर लौट जाएगा, लेकिन जब आदमियों का शोरगुल सुना तो घबराए। जाकर किवाड़ों की दराज से झांका, कोई 20-25 चमार लाठियां लिए द्वार रोके खड़े किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब करें तो क्या करें, भागने का कोई रास्ता नहीं, चंपा को कहीं छिपा नहीं सकते। समझ गए कि सामत आ गई, आसकी इतनी जल्द गुल खिलाएगी यह क्या जानते थे। नहीं, इस चमारिन पर दिल को आने ही क्यों देते। इधर चंपा इन्हीं को कोस रही थी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, मेरी तो इज्जत लुट गई, घर वाले मूड ही काट कर छोड़ेंगे, कहती थी। अभी किवाड़ ना बंद करो, हाथ पांव जोड़ती थी, मगर तुम्हारे सिर पर तो भूत सवार था, लगी मुँह में कालिक की नहीं। मामू साहब बेचारे इस कूचे में कभी ना आए थे, कोई पक्का खिलाड़ी होता तो सब उपाय निकाल लेता, लेकिन मामू साहब की तो जैसे सिट्टी पिट्टी भूल गई। बराउठे में थरथर कांपते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए खड़े थे, कुछ ना सूझता था। उधर द्वार पर कोलाहल बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि सारा गांव जमा हो गया। ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ सभी तमाशा देखने और हाथ की खुजली मिटाने आ पहुँचे। इससे ज़्यादा मनोरंजक और स्फूर्तिवर्धक तमाशा और क्या होगा कि एक मर्द और एक औरत को साथ घर में बंद पाया जाए। बढ़ई बुलाया गया, किवाड़ फाड़े गए और मामू साहब भूसे की कोठरी में छिपे हुए मिले। चंपा आंगन में खड़ी रो रही थी, द्वार खुलते ही भागी, कोई उससे नहीं बोला। मामू साहब भागकर कहां जाते, वह जानते थे उनके लिए भागने का रास्ता नहीं है, मार खाने के लिए तैयार बैठे थे। मार पड़ने लगी और बेभाव की पड़ने लगी, जिसके हाथ जो कुछ लगा, जूता छड़ी छाता लात घूसा सभी अस्त्र चले, यहाँ तक कि मामू साहब बेहोश हो गए और लोगों ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। अब इतनी दुर्गत के बाद वह बच भी गए तो गांव में नहीं रह सकते और उनकी जमीन पट्टीदारों के हाथ आएगी। एक महीने तक तो वह हल्दी और गुड़ पीते रहे, ज्यों ही चलने फिरने लायक हुए हमारे यहाँ आए, अपने गांव वालों पर डाके का इस्तगासा दायर करना चाहते थे। अगर उन्होंने कुछ दीनता दिखाई होती तो शायद मुझे हमदर्दी हो जाती, लेकिन उनका वह दमखम था, मुझे खेलते या उपन्यास पढ़ते देख बिगड़ना और रौब जमाना और पिताजी से शिकायत करने की धमकी देना, यह अब मैं क्यों सहने लगा। अब तो मेरे पास उन्हें नीचा दिखाने के लिए काफ़ी मसाला था। आखिर एक दिन मैंने यह सारी दुर्घटना नाटक के रूप में लिख डाली और अपने मित्रों को सुनाई, सब के सब खूब हंसे, मेरा साहस बढ़ा। मैंने उसे साफ साफ लिखकर वह कापी मामू साहब के सिरहाने रख दी और स्कूल चला गया। फिर भला मामू साहब कैसे टिक जाते, अपना बोरिया बक्सा उठाया और चलते बने। नवाब तब तक शरीर से दुर्बल थे और अब शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर की इस नई शक्ति की चेतना हुई, जो मारपीट कर सकने से कहीं ज़्यादा भयंकर थी। जो काम लाठी डंडे से नहीं हो सकता, वह काम यह कलम कर सकता है। मैं कमज़ोर हूँ तो क्या, यह एक बड़ा हथियार मुझे मिल गया, अब कोई मुझे सता कर तो देखे मैं उसकी कैसी मिट्टी पलीत करता हूँ। ऐसी मार मारूँगा कि पानी भी मांगते नहीं बनेगा। किसी की खिल्ली उड़ाकर उसका पानी जितनी अच्छी तरह उतारा जा सकता है, उतना किसी और तरह नहीं। यह एक अच्छी चीज़ मिली, मैं क्या जानता था, अब मैं इसी को अपनी ढाल तलवार बनाऊंगा। यह नवाब के साहित्यिक जीवन का पहला पाठ था, जिसे वह कभी नहीं भूला और ना शायद एक बार मामू साहब की छीछा लेदर करने से उसका जी भरा, क्योंकि
40 बरस बाद गोदान की सिलिया और माता दीन के रूप में चंपा और मामू साहब फिर जी उठे। इससे बिल्कुल अलग इसी जमाने का एक स्मरणीय जीवन अनुभव वह है जिसकी कहानी उन्होंने बरसों बाद बड़ी हसरत के साथ रामलीला में कही। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पैजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू हू करते देखकर अब हंसी आती है। लेकिन एक ज़माना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उन्माद कहना चाहिए। संयोग बस उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, शायद बाले मियाँ या लाल डिग्गी का मैदान। और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी, उनकी देह में रामरज पीस कर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती थी। सारा माथा भवें गाल ठोड़ी बुंदकियों में रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, राम रज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2 बार लड़कों को बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2 बार लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। श्रृंगार देखने न गया, विमान भी निकला पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की ज़रूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था, इसकी काफ़ी गुंजाइश थी। लेकिन अब इसका मौका ना था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता प्राणपण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। मेरी कितनी श्रद्धा थी, अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था जिसमें वह फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद नौका पर बैठे इस तरह मुँह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ ना कुछ बू आ ही जाती है। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर ना जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दोनों कोई बात भी ना पूछता था, ना घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, ना भोज का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना आप खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला, जबकि आबादी जान तवायफ को खुदा जाने क्या क्या मिला था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शरमाते शरमाते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। वही 2 आने पैसे लेकर
तीनों मूर्तियां विदा हुईं, केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। बचपन की अबोध ममता और वैसी ही अबोध कातरता। लेकिन अब हम उस दौर की चौखट पर पहुंच गए हैं जबकि नवाब का बचपन अपनी कड़वी मीठी स्मृतियों के साथ बड़ी तेज़ी से पीछे छूटता जा रहा है। अभी उसकी उम्र 14 साल है। बचपन के बीत जाने की उम्र नहीं है, केवल वह संधि है। पर यह सब अब थोड़े दिनों का खेल है। माँ को मरे 6 साल बीत चुके हैं। इस बीच उसने बहुत कुछ देखा है, सहा है, सीखा है और अकाल प्रवणता जो कुछ तो उसकी प्रतिभा का ऋण शोध है और कुछ उसकी परिस्थितियों का। उनका दरवाज़ा खटखटा रही है। इस बार मुंशी अजायब लाल गोरखपुर में बहुत लंबे टिक गए थे। इतना शायद इसके पहले और कहीं भी रहने का मौका नहीं मिला था, लगभग 4 साल। इस बीच नवाब ने मिशन स्कूल से 8वां दर्जा ज्यों त्यों पास कर लिया था। जहीन थे मगर स्कूली किताबों में जी न लगता था क्योंकि तिलस्मी कहानियों की वजह से होश उड़ा रहता था और जो मज़ा हातिम ताई की संगत था वह भला मास्टर साहब की संगत में कहाँ। लष्टम पष्टम पास हो जाते थे लेकिन हाँ, हिसाब एक मुश्किल हुआ था जिसके नाम से गरीब का हलक सूखता था। खैर तो नवाब ने 8वां पास कर लिया और तभी मुंशी अजायब लाल की बदली जमनिया की हो गई। उनकी सेहत पिछले दिनों बहुत गिर गई थी और बराबर गिरती जा रही थी। दूसरी पत्नी से उनका पहला लड़का गुलाब तब 2-3 साल का था और दूसरा महताब हाल में ही पैदा हुआ था। नवाब को 9वें दर्जे में नाम लिखाना था जो कि बनारस में ही संभव था। पिताजी ने पूछा, कितना खर्चा लगेगा? नवाब ने कहा, 5 रुपया दे दिया कीजिएगा, मगर 5 रुपये में भला क्या होता। बड़ी मुश्किल का सामना था तो भी पढ़ने की धुन बराबर बनी हुई थी। पाँव में जूते ना थे, देह पर साबित कपड़े ना थे, महंगी अलग 10 शेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच सकता और प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता, नहीं वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और ना जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। अब तक बचपन मर चुका था, यानी लड़के के कंधे पर शादी का जुआ रखने का वक्त आ गया था। पिता लड़के को अंधरा के पुल का 12 आने वाला चमरौधा जूता और 4 आने गज का नया कपड़ा न पहना सके, लेकिन उसकी शादी तो कर ही सकते हैं। 15 बरस तब शादी के लिए ऐसी कम उम्र न समझी जाती थी। गांव में न जाने कितने थे जिनकी शादी इसी उम्र में हुई थी। मुंशी अजायब लाल कैसे अपने बेटे की ना करते, लोग नाम न धरते। सेहत भी ठीक चल रही थी, अपने जीते जी लड़के को खूंटे से बांध देने का ख्याल भी मुमकिन है दिल में रहा हो। संभव है पत्नी ने बार बार आग्रह किया हो कि लड़का अब सयाना हुआ, उसका ब्याह कर देना चाहिए, बहू घर में ले आने का मोह किसे नहीं होता। पूरब में जल्दी ब्याह कर देने का चलन भी है। पक्की बात इतनी ही है कि यह शादी लगाई नवाब के नाना साहब ने थी। नाना साहब यानी मुंशी अजायब लाल के नए ससुर साहब। यह भी मुमकिन है कि नाना साहब ने अपने किसी मित्र का भला करने के विचार से या अन्य किसी कारण से यह संबंध स्थिर किया हो। जो भी बात रही हो, यह विवाह बस्ती जिले के महंदावल तहसील में बस्ती शहर से 10 मील दूर
रमुआपुर सरकारी गांव के एक छोटे मोटे जमींदार के घर ठीक हुआ। बड़े आदमी हैं, लड़की बहुत अच्छी है, सब बहुत खुश थे, नवाब सबसे ज़्यादा। मारे उत्साह के मंडप छाने के लिए बांस भी खुद उसी ने काटे। खुशी उसके भीतर छलकी पड़ रही थी और शायद बांस की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाते समय वह कुछ गुनगुना भी रहा था। पिछले वर्षों में उसने जो सैकड़ों किताबें पढ़ी थी उनमें कितने ही शाही लकड़हारे आए थे, अपनी प्रेमिका की तलाश में भिखमंगों का भेष बनाए, जंगलों और रेगिस्तानों की खाक छानते हुए सुंदर राजकुमार आए थे। एक से एक सुंदरी राजकुमारियां आई थी जिनके आगे चांद भी शर्माता था। वही सब चीज़ें उसने पढ़ी थी, वही तस्वीरें उसके मन में थी। उसका दिल किलोलें कर रहा था और हवा में जंगली गुलाबों की और रात रानी की खुशबू थी। नहीं, अब वह ऐसा नादान नहीं था। उसे सब पता था कि शादी क्या चीज़ होती है, कितनी रंगीन, कैसी खूबसूरत। उसने अपनी इतिहास की किताबों में और अपने राजा रानी के किस्सों में पढ़ा था कैसे एक सुंदरी की चितवन पर सल्तनतें लुट गईं, खून की नदियां बह गईं, इसी बात के लिए कि शहजादा उस माहेजवी से, उस चंद्रमुखी से शादी करना चाहता था। उसके तमाम सपने जिन पर पिछले साल डेढ़ साल में जमाने की थोड़ी बहुत धूल पड़ गई थी एक बार फिर जवान हो गए और उसके हाथ की कुल्हाड़ी और भी तेज़ी से चलने लगी। शादी हुई, शादी में खूब चूहलबाजी भी हुई, नंगे नंगे मजाक भी हुए जो अक्सर इस मौके पर होते हैं, खासकर पूरब में। और नवाब ने खूब रस ले लेकर तुर्की बा तुर्की उनका जवाब भी दिया। फिर विदाई हुई और नवाब अपनी सीरी अपनी लैला को ऊंट गाड़ी पर बिठाकर, हाँ ऊंट गाड़ी, नियति कभी अधूरा व्यंग नहीं करती, अपने घर ले चला। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी की सूरत जो देखी तो उसका खून सूख गया। उम्र में वह नवाब से ज़्यादा थी, मगर वह तो ऐसी कोई बात नहीं, लैला भी तो मजनू से बड़ी थी, काली थी, सुनते हैं लैला भी तो काली थी। मगर किस्सा और चीज़ है, जिंदगी और चीज़। यथार्थ का यह एक और गहरा धक्का था जो नवाब को लगा। देखते ही शक्ल से नफरत हो गई, भद्दी थुलथुल फूहड़। इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर चेचक के गहरे गहरे दाग थे और एक टांग कुछ छोटी थी जिसके कारण गरीब को भचक कर चलना पड़ता था। महीने में एकाध बार हबुआती भी जरूर थी जब उन पर भूत प्रेत आते थे। सुनते हैं दिमाग में कुछ खलल भी था क्योंकि लड़ाई होने पर अपने पति से कहती थी, हम तुम्हें गधा छानने के पगहे से बंधवा कर मंगा लेंगे, ऐसे ऐसे जादू टोने हैं हमारे पास। नाना साहब ने 15 साल के इस खूबसूरत नवाब के लिए ऐसी उम्र में ज़्यादा काली भद्दी थुलथुल चेचकरू अफीम खाने वाली भचक कर चलने वाली औरत ही क्यों चुनी, यह रहस्य उनके साथ ही चला गया। लेकिन इसमें शक नहीं कि जिसने देखा उसके मुंह से एक सर्द आह निकल गई, कहाँ नवाब, कहाँ यह औरत का कार्टून। यहाँ तक कि मुंशी अजायब लाल से भी नहीं रहा गया और उन्होंने हिम्मत बटोर कर अपनी पत्नी से कह दिया, लाला जी ने मेरे लड़के को कुएं में ढकेल दिया, मेरा गुलाब सा लड़का और उसकी यह बीवी, मैं तो उसकी दूसरी शादी करूँगा। पत्नी ने कहा, देखा जाएगा, और उनके लिए बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन नवाब के लिए बात इतनी आसानी से कैसे ख़त्म होती, वह तो गांठ जोड़कर उन्हें अपने साथ लाया था। पर वही गांठ अब चुनरी से छूटकर दिल में आ लगी थी। कौन जाने उस गांठ में दो एक ग्रह सास बहू के झगड़ों ने भी डाल दी हो जो आए दिन होती रहती थी। मुमकिन है नवाब जैसा आदमी
उस स्त्री के साथ भी निवाह कर लेता, लेकिन वह खुद अपनी लाश ढोने जैसी बात होती। और अब जबकि थोड़ा निर्वैयक्तिक ढंग से विचार कर सकना संभव है, यह शायद अच्छा ही हुआ कि मन और शरीर से इतनी बेमेल स्त्री के साथ निवाह करने का मौका नहीं आया। जिंदा वह बहुत बात तक रही। नवाब ने जब दूसरी शादी की तब तक उन्हें इस घर में 10 बरस हो चुके थे, लेकिन नवाब का शायद कभी उनसे कोई संबंध नहीं रहा। वह कभी लम्ही रहती और कभी अपने मायके चली जाती, पर नवाब को किसी बात से कोई मतलब ना था। 3-4 बरस तो वह ज़्यादातर लम्ही में ही रही, पर जब नवाब ने अपनी नौकरी की ज़िंदगी शुरू की और उन्हें अपने साथ नहीं ले गए तो वह भी मेहंदावल चली गई और अधिकतर वहीं रहने लगी। कभी कभी लम्ही भी आ जाती थी। कई बार इस बात की कोशिश हुई कि नवाब उन्हें अपने पास बुलाकर रखे। शायद इसी सिलसिले में एक बार यह बात भी उड़ी कि उन्हें लड़का हुआ है, जिसका नाम उनके घर वालों ने रामयाद राय रखा है। कितना ठेठ मुंशियाना नाम, पर कितना सार्थक। मुमकिन है यह बात सिर्फ इसलिए उड़ाई गई हो कि नवाब पर और भी कुछ दबाव पड़े, लेकिन अगर यह बात सच भी हो कि वह स्त्री मैया के समान ही निर्दोष थी, तो भी शायद इस मामले में प्रेमचंद को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद के समान दोषी ठहराना भी अन्याय होगा, क्योंकि यह प्रसंग केवल दुख का है, उस पुरानी सामंती विवाह प्रणाली का, और उससे भी अधिक उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का जिन्होंने यह अनमेल संबंध स्थिर किया था या उसके लिए सहमति दी। मुंशी अजायब लाल भी उसके नैतिक दायित्व से बच नहीं सके। बढ़ौती में यह एक ज़बरदस्त धक्का उनको लगा, और कुछ अजब नहीं कि उसने उनके अंत को और पास ला दिया हो, क्योंकि वह शादी के 1.5 बरस के भीतर ही कई महीने की बीमारी के बाद इस दुनिया से 56 बरस की अवस्था में सिधार गए, जबकि उनके पिता 76 बरस की आयु पाकर मरे थे और उनकी माँ भी अभी केवल 4-5 बरस पहले ही मरी थी। नवाब नमी में थे जब उनका ब्याह हुआ। अगले साल यानी 1897 में उन्हें मैट्रिक का इम्तहान देना था, लेकिन उसी साल पिता बीमार पड़े और इस दुनिया से उठ गए। नतीजा यह हुआ कि नवाब उस साल इम्तहान ना दे पाए। उसके अगले साल नवाब ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, 2nd डिवीज़न पास हुए। जो भी मजबूरियां नवाब की रही हों, 2nd क्लास का नतीजा यह हुआ कि क्वींस कॉलेज में उसका प्रवेश पाना एक समस्या बन गया, क्योंकि प्रवेश तो चाहे मिल भी जाता पर फीस नियम के अनुसार केवल अव्वल दर्जे वालों की ही माफ़ हो सकती थी, और फीस देकर पढ़ने की स्थिति नवाब की नहीं थी। संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वह पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे, कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान ना था। मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था बोले कि घर पर मैं कॉलेज की बातचीत नहीं करता, कॉलेज में आओ। खैर कॉलेज में गया, मुलाकात तो हुई पर निराशाजनक। फीस माफ ना हो सकती थी, अब क्या करूं? अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज़ घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल पार कर शाम को घर लौटाता। किससे कहूं, कोई अपना 75 ना था। कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे। उनसे जाकर रोया, उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिशी चिट्ठी दे दी। उस समय मेरे आनंद की सीमा ना थी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा,
इतने दिनों कहाँ थे? बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार ना था। अगर ज्वर बताता हूँ तो शायद साहब मुझे झूठा समझे। ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज़ थी जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी अनावश्यक थी। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साध्यता के कारण दया को भी उभारे। उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद ना आया। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी। वह शब्द मुझे याद आ गया। मैंने कहा, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो। जी हाँ। अच्छा, प्रवेश पत्र भरकर लाओ। मैंने समझा बेड़ा पार हुआ। फार्म लिया, खाना पूरी की और पेश कर दिया। उस समय साहब कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे मुझे फार्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। यह नई समस्या उपस्थित हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा ना थी और बीजगणित और रेखागणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वह भी भूल भाल गया था, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था। भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फार्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वाशिंगटन ईविंग का रिफ वान विंकिल था। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2 ही 4 मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और मेरे फार्म पर संतोषजनक लिख दिया। दूसरा घंटा बीजगणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फार्म दिखाया। नई संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहाँ भी वही हाल था। क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रेले में जो आया वह भर्ती हो गया। भूख में साग पात सभी रुचिकर होता है। अब पेट भर गया था। छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे। इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फार्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया। मैं इतना हताश हुआ कि फार्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास ना गया, सीधा घर चला गया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर ना चढ़ सका। खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधार, कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील साहब के लड़कियों को पढ़ाने का काम मिल गया। 5 रुपया वेतन ठहरा। मैंने 2 रुपये में अपना गुजर करके 3 रुपये घर पर देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी, उसी में रहने की आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता। गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता। पंडित रतन नाथ दर का फसाना आज़ाद उन्हीं दिनों पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे यह पद मिला था। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब ज़रूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता। कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान पर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और 2.5 रुपये दे आता।
दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता, लेकिन कभी कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता। इस तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बाजार से 2-2.5 रुपए के कपड़े लिए थे, रोज उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। जब 1-2 महीने निकल गए और मैं रुपए ना चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया, चक्कर देकर निकल जाता। 3 साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका। उसी ज़माने में शहर का एक बेलदार मुझसे कुछ हिंदी पढ़ने आया करता था। एक बार मैंने उससे भी 8 आने पैसे उधार लिए थे। वह पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहां मिलती है यह न जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी ना थी। 2 दिन 1-1 पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था, या संकोच बस मैं उससे मांग ना सका था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी, अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन 1 पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, कहाँ पढ़ते हो? तकदीर का खेल भी अजब अनोखा है। कहाँ तो कैसे कैसे पापड़ बेल रहे थे, अगले वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, और कहाँ अब परोसी हुई थाली सामने रखी थी। सवाल पूछने वाले सज्जन चुनार के एक छोटे से मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्हें मैट्रिक पास एक मास्टर की तलाश थी। वेतन था 18 रुपया। कहने भर की देर थी, नवाब ने लपक कर मंजूर कर लिया। जैसे दिन उसने देखे थे उनके सामने, नवाब का यह कहना कुछ गलत नहीं था कि 18 रुपये उस समय मेरी निराश व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे। सन 1899 की बात है। पिता को मरे भी अब 2 बरस हो रहे थे। घर पर बस उनकी नई माँ और उनका 1-3 साल का बच्चा था। बड़ा बच्चा गुलाब 2-2.5 बरस पहले जाता रहा था। खेती अब्बल तो थी ही कितनी, और फिर खाने वाले भी कुछ कम ना थे। घर में भूनी भांग नहीं थी और कमाने वाला अकेला नवाब। अपनी नई माँ से उसे बहुत सुख नहीं मिला, यह और बात है, लेकिन अब जबकि पिता की आंखें मुंद गई थी, उनकी परवरिश की, अपनी बिसात भर उनको आराम से रखने की जिम्मेदारी उसी की थी। नवाब ने अगले ही रोज़ जाकर सब कुछ पक्का कर लिया और 3-4 रोज के भीतर चुनार पहुंच गया, जो कि बनारस से 40 मील दूर मिर्ज़ापुर पास एक कस्बा है। छोटी सी खामोश जगह थी, नए नए पहुँचे थे, मिजाज में कुछ शर्मीलापन भी था। पढ़ने का चस्का लग ही चुका था, किसी से ज़्यादा कुछ तलब न रखते थे, बस अपने काम से काम। साथ में चाची के छोटे सौतेले भाई विजय बहादुर भी थे, अपनी बहन के साथ ही वह भी आ गए थे और फिर यहीं रह गए। उम्र में वह नवाब से 4-5 साल छोटे थे, पर दोनों में बहुत बनती थी, क्योंकि विजय बहादुर भी बहुत मिलनसार और मोहब्बती तबीयत के आदमी थे। ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, पर जब तक रहे नवाब के साथ ही रहे। जहाँ जहाँ नवाब का तबादला हुआ, वहाँ वहाँ विजय बहादुर उनके साथ गए। वेतन से पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए नवाब ने 5 रुपए का एक ट्यूशन भी कर लिया था। लड़का घर आकर पढ़ जाता था। उस छोटी सी जगह में नवाब की अंग्रेज़ी बहुत मशहूर हो गई थी। नवाब को अपने पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत न मिलती थी,
घर का इंतजाम विजय बहादुर के जिम्मे था। पैसे जो मिलते थे वह महीने के शुरू में ही खर्च हो जाते, फिर उधार पर चलता था। बोर्डिंग हाउस का बनिया था, उसी से रसद उधार ली जाती। तभी की बात है, एक बार नवाब विजय बहादुर के साथ घर आए, यानी लम्ही, जाड़े के दिन थे। चार पांच दिन घर रहे, चलने लगे तो रास्ते के लिए चाची से रुपए मांगे। चाची ने कहा, रुपए सब खर्च हो गए। बड़ी मुश्किल थी, गांव में उधार लेते भी तो किससे, लिहाजा मजबूर होकर अपना गरम कोट बेचने की ठानी। गाड़ी के बहुत पहले दोनों गांव से चल दिए और शहर आकर नवाब ने अपना कोट 2 रुपए में बेचा, जो कि 1 साल पहले बड़ी मुश्किल से बनवाया था। सूती पहनकर उस गरम कोट को बड़े जतन से रखा था और वह 2 रुपए में बिक गया। इस सब के बावजूद जिंदगी जैसी कुछ थी बहुत अच्छी थी। एक रोज़ स्कूल की टीम का फुटबॉल मैच मिलिट्री के गोरों की एक टीम से हुआ। गोरे शायद हार गए। स्कूल के लड़कों ने जोर जोर से हिप हिप हुर्रे का लगाना शुरू किया। गोरे खिसियाए हुए तो थे ही, यह चीज़ उनके कटे पर नमक छिड़कने जैसी मालूम हुई। इन काले आदमियों की यह मजाल, एक गोरे ने किसी खिलाड़ी को बूट से ठोकर मार दी। मैच देखने वालों में नवाब भी था। गोरे को बूट चलाते भी उसने देखा। जिस्म बहुत मजबूत नहीं था तो क्या, दिल तो मजबूत था। और फिर अपने ही मैदान पर खेल हो रहा था। चढ़ जवानी की उम्र, नवाब का खून खौल पड़ा। इसकी यह हिम्मत सिर्फ इसलिए कि हम काले हैं, हिंदुस्तानी हैं, फिर क्या था। उसने आओ देखा ना ताओ, झपट कर मैदान में गड़ी हुई एक झंडी उखाड़ ली और बेतहाशा उन पर पिल पड़ा। लड़कों ने जो उसको आगे आगे देखा तो खेलने वाले और तमाशाई सब मैदान में कूद पड़े और उन गोरों की ऐसी पिटाई की उन्हें छठी का दूध याद आ गया। सारी अकड़ धरी रह गई। मैदान जब खाली हुआ तो स्कूल वालों को सबसे ज़्यादा ताजुब इस बात का हुआ कि इस मार्के में पहल उस शर्मीले नौजवान मुदर्रिस ने की थी, जिसे खेलने से बहुत कम मतलब था और जो हमेशा अपनी किस्से कहानी की किताबों में डूबा रहता था। लेकिन उससे भी ज़्यादा ताजुब इस शर्मीले घर घुसने नौजवान की दिलेरी पर उस वक्त होता है जब 60-65 बरस पहले के चुनार का नक्शा आँखों के सामने आता है। उग्र ने, जो हिंदी के जाने माने लेखक हैं और चुनार के ही रहने वाले हैं, अपनी खबर में उस वक्त के चुनार की यह एक हल्की सी झलक दी है। उन दिनों किलों की कद्र थी, अतः चुनार में अंग्रेज आए। जब मैं 5-7 साल का था तब चुनार के किले में गोरा तोपखाना पलटन रहती थी। बहुत दिनों तक चुनार में रिटायर्ड गोरे सपरिवार रहा करते थे। लोअर लाइंस नामक अपनी एक बस्ती उन्होंने कालों के कस्बे की पिछली सीमा पर बसा रखी थी। सन 1905 में चुनार की 5-7 हज़ार की आबादी के सिरहाने 2-2 गिरजाघर थे। एक परेड ग्राउंड की कब्रगाह के पास जर्मन मिशनरियों का रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंट चर्च शहर के बीच में था। ईसाई या अंग्रेज़ों की संख्या शहर में चाहे जितनी रही हो, पर उनका प्रभाव कितना था इसकी सूचना ये चर्च देते थे। मेरे स्वर्गीय पिता जिस मंदिर में पूजन किया करते थे, उसके चबूतरे पर खड़े होकर 5-7 की वय में मैंने गोरे सोल्जरों तोपखाने की मार्च मज़े में देखी थी। किले से परेड ग्राउंड तक ये गोरे सिपाही मार्च करते हुए अक्सर जाया करते थे। मैदान में मिलिट्री बैंड वालों की परेड तो मुझे आज भी भूली नहीं है। कई प्रकार के बाजे वाले, सभी गोरे, ड्रम, ओह कितना बड़ा। इन बैंड वाले सिपाहियों के बीच में बाघम्बर धारण किए, हाथ में गदा जैसी कोई वस्तु हिलाता चलता था एक नाटा, गुट्ठल, सचमुच व्याघ्रमुख कोई दैत्य देही गोरा। तब चुनार वालों को ये गोरे महाकाल के दामाद 10वें ग्रह जैसे लगते थे।
अक्सर लोग इनकी छाया से भी दूर भागते थे। लोअर लाइन्स से गुजरने वाले गरीब ग्रामीण चुनारियों को ये रिटायर्ड या सिपाही गोरे कारण अकारण बेतों से बुरी तरह सिटोह दिया करते थे। औरतें तो लोअर लाइन्स में जाने की हिमाकत कर ही नहीं सकती थी। गर्गो नदी पार से शहर को विविध वस्तु बेचने आने वाली अहिरनों कुरिनों चमारिनों को अक्सर उन्मत्त गोरे दौड़ा लेते थे, रगड़ सगड़ देते थे, पशुवत रेप। झगड़ा मोल लेना ठीक बात नहीं है, अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन आँखों के आगे सरीहन बेइंसाफी हो रही हो तो इंसान चुप भी कैसे रहे। जुल्म देखकर उस आदमी को जैसे फिर किसी बात का होश नहीं रह जाता था और तैश खाकर तिल मिलाकर कूद पड़ने के अलावा फिर और कुछ न सूझता। और यही चीज साल बीतने के पहले 5-6 महीने बाद मुंशी जी के वहाँ से उखड़ जाने का कारण बनी। सुनते हैं कि वहाँ उसी स्कूल में एक इब्ने मौलवी साहब थे। स्कूल के अधिकारी उनके साथ कोई बेइंसाफी कर रहे थे जो मुंशी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बेधड़क मौलवी साहब का साथ दिया, खुलेआम जमकर बात बढ़ी, मुंशी जी भी मौलवी साहब के साथ निकाल दिए गए।